नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले ता पूर्वरु देखिनबा हेडलाइंस कोलकाता कोयला घाटी बिल्डिंग रे अग्निकांड घटना मृत संख्या 9 को वृद्धि मृतकंक परिवार को 10 लाख टंकार सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटना रे दुख प्रकाश कले प्रधानमंत्री भारत बांग्लादेश मध्यरे सृष्टि हेबो नुआ अध्याय उद्घाटन हेबो मैत्री सेतु वीसी जरिया रे उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री वाणिज्य और जनसंपर्क क्षेत्र रे सृष्टि हेबो इतिहास गंजाम जिलार प्रसिद्ध दंडयात्रा रे लागिला कटकणा केवल दंडुआ को मिलला अनुमति सांस्कृतिक कार्यक्रम सह भोजी भात को मना कोविड नियम उल्लंघन कले दायी रहिबो कमिटी प्रकाश पाइला जेई मेन रिजल्ट गौतम दास 99.9% सह राज्य टपर छ परीक्षार्थी को 100% नंबर फेब्रुआरी 24-26 पर्यंत होइतबा प्रथम सेंसर रिजल्ट प्रकाश रायगढ़ में गुणीगाड़ी सन्देह में जनक हत्या मामला पाजिली बंध गांव छह जन को गिरफ्त कर कोटलान कर पुलिस फेब्रुआरी 26 वृद्ध को हत्या करने निआ लगाई पोड़ी देइतबा अभियोग आवास निर्माण पर मंत्री गोड़ तले पड़े महिला हेले महिला एड़ाई चलीगले मंत्री पद्मनाभ बेहरा सुवर्णपुर बेनिकार आसला अभाव्य दृश्य कार्यादेश बंटनर वर्षक पर भी घर निर्माण हो आज श्रीलोकनाथ पंकोधार एकादशी कोविड कटक पालन हो रीति मंदिर भितर बाहर मुतयन हे 15 प्लाटून पुलिस फोर्स 200 मीटर अंचल को नो एंट्री जोन गंभीरा भितरक प्रवेश पश्चिमबंगर स्ट्रांड रोड में रेलवे विभाग नुआ कोयला घाटी बिल्डिंग रे अग्निकांड घटना अग्निकांड रे मृत्यु संख्या 9 को वृद्धि पाई बिल्डिंग 13तम महला रे गतकाली संध्या रे भयंकर अग्निकांड घटीला आयत्त करने को जा 4 जन अग्निशम कर्मचारी 2 आरपीए 4 जन एएसआई को मिसाई 9 जन मृत्यु घटी से 2 जन गुरुतर कोयलाघाटी बिल्डिंग को रेलवे पक्ष हाउस ऑफिस भाव व्यवहार कर अग्निशम कर्मचारी आरपीए 4 जन एसआई को परिचय मिलता बेले अग्निकाण्ड में प्राण हर अन्य 2 जन परिचय मिल पारिना लिफ्ट द्वारा मृताहत मैंने निआ को आयत्त करने 11तम महला पहुंचे समय विषाक्त गैस संस्पर्श आसी समस्त मृत्यु घटी गतकाली संध्या प्राय 6:10 बिल्डिंग 13तम महला अग्निकाण्ड घटी खबर मिलता 10 दमकल बाहन और रेलवे कर्मचारी निआ को आयत्त करने को चेष्टा करते दीर्घ घंटार परिश्रम पर निआ आयत्त को आसी मृतकों पर 10 लाख टंकार क्षतिपूरण घोषणा कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से घटना को नहीं दुख प्रकाश करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मृतकों पर 2 लाख टंका लेखाएं क्षतिपूरण और आहत को चिकित्सा निम्ते 50,000 टंका लेखाएं देवा घोषणा कर आज मैत्री सेतुर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे भारत एवं बांग्लादेश मध्यरे एही मैत्री सेतुर उद्घाटन करेंगे एक कार्यक्रम अवसर में प्रधानमंत्री त्रिपुरार विभिन्न उन्नयन प्रकल्प उद्घाटन करने सहित केतेक प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे एही मैत्री सेतु त्रिपुरा एवं बांग्लादेश सीमा दे प्रवाहित फेनी नदी उपरे निर्माण करा जायछि भारत और बांग्लादेश मध्यरे वृद्धि पाउतबा द्विपाक्षिक एवं बंधुत्वपूर्ण संपर्क आधार रे ए सेतुर नाम मैत्री सेतु रखा जायछि 133 कोटी टंकार व्यय अटकल रे जातीय राजपथ एवं भित्तिभूमि विकास निगम द्वारा ए कार्य हात को निया जायथिला या भारत और बांग्लादेश मध्यरे वाणिज्य और जनसंपर्क क्षेत्र रे एक नूतन अध्याय आरंभ करिवो प्रधानमंत्री सब्रोम ठारे एक समन्वित चेक पास्ट पाई शिलान्यास करिबे एहा दुई देश मध्यरे सामग्री और यात्री परिवहन को सहज करिबो उत्तर पूर्वांचल राज्यगुड़िक नुआ बजार सृष्टि करिबो एवं बांग्लादेश और भारत मध्यरे बाधामुक्त यात्री परिवहन सुनिश्चित होई पारिबो लुट हो श्रमिकों टंका मनरेगारे काम करिबा नारे मालेमाल होती बीजेडी नेता और विधायक प्रवासी श्रमिकों को धोखा दे राज्य सरकार सूचना आईन बल में मिलता तथ्य सामना को आसी राज्य में मनरेगा योजनार बास्तव चित्र कोविड समय राज्यर विभिन्न स्थानों आसी मनरेगा दुर्नीतिर अभियोगगुड़िक नजर पकाइले स्पष्ट जमापड़ से महात्मा गांधी निश्चित कर्मनिजुक्ति योजन श्रमिकों बदल में मेसीन द्वारा काम होता नहीं अभियोग आरोधी मनरेगा योजन कोटि कोटि टंकार हरिलुट श्रमिकों बदल में काम करुथिले बीजेडी नेता और ठिकादार मेसीन
सूचना अधिकार आईन रु मिलिथिबा तथ्य अनुसार महामारी कोरोना समय रे मनरेगा योजना रे होईछि व्यापक अनियमितता। केन्द्र ग्राम्य उन्नयन विभाग देथिबा उत्तर अनुसार 2020-21 रे ओडिसा को मनरेगा योजना रे मिलिथिला 4436 कोटी टंका। हेले एही अर्थ जे श्रमिक मानकु काम करबा पाए मिलिछि ताहा उपरे बे संदेह सृष्टि होईछि। नवंबर 7, 2020 श्रमिकक स्थान रे मेसिन काम करथुवा नै अनुगुल जिला साळखमळ गांरु आसीथिला अभिजोग। साळखमळ मसारी पोखरी खनन काम जेसीबी माध्यम रे करा जेबा सह 5 लाख टंका हरिलूट होइतिबा अभिजोग करथिले ग्रामवासी। जुलाई 22, 2020 मयूरभंज जिला रंगडा गांव रे मनरेगा योजना रे ड्रेन निर्माण कार्य रे निम्न मानर काम होइतिबा नै अभिजोग आसीथिला। जहाँकु नै ग्रामवासीक मध्यरे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। अक्टोबर 17, 2020 खोर्धा जिला भजागड़ गाँव में बुढ़ी टांगी ठारू मुक्तेश्वर स्टेशन पर्यंत 2 रास्ता और तारादेवी ठारू उदयगिरी पर्यंत निर्माण होता 3 रास्ता। रास्ता काम पर 7 लाख टंका व्यय बराद होता बेले रास्ता निर्माण कर श्रमिकों को टंका मिल अभोग केवल एति कि नुहे अभोग फर्द लंबा से ही समय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाराहारी 4400 कोटी टंका देछि। जदि एते टंका दिया हिजे एटा डिमांड ड्रिवन काम एति काम अछि बोले राज्य सरकार मागी छन केंद्र सरकार दे छन ताले ये टंका कोन खर्च होइ छि सबटारु बड प्रश्न एपर्यंत हेलानि जो भाव रे लोक काम दबंता काम माने देलेनि काम पाइलेनि सेमाने पुणी छाडी ओडिसा छाडी पळे गेले बाहर काम करिया पे। मनरेगा महादुर्नीति कु नै राज्य सरकार कु काठ गडा कु टाणी छंती विरोधी। मनरेगा रे जेति कि काम होइ छि सबु काम बीजेडी रो नेता और समर्थक माने करिछंती। तांको ठिकादार माने मेसिन लगाई काम करिछंती किंतु श्रम दिवस सृष्टि करिनहाती। मनरेगा योजना रे पाखा पाखी 800 कोटी टंका रो फॉल्स बिल करा जायछि बोली विरोधी अभियोग करिछंती। विरोधी को अभियोग परे जवाब रखिछि बीजेडी। राज्य सरकार को पाखरे केते श्रम दिवस सृष्टि करले से कतार तालिका नाही काही कारण जेति कि काम होईछि नरेगा रे सबु काम बिजु जनता दल शासक दल रो नेता समर्थक माने नै कि काम करिछन पाखा पाखी 800 कोटी टंका हरि लूट करिछन्ति फॉल्स बिलिंग करिकि सेतिरे लाभ के पाइछि शासक दल रो विधायक शासक दल रो नेता माने सेतिरे लाभान्वित हेछन। चारि आडे देखिबे आपण नरगा ना रे आउ किछि रखि नाहन्ति फॉल्स बिल के नै जाइछन्ति सब मशीन पकै गिरि जोडा को रोड कर अलदमै जोडो सेउडा को ताडी दैछन्ति जोडा गोचर जमी ताकु ताडी दैछन्ति कोटी पोखरी ना से गदई दी नहीं गोटे जहाँ को कहा जाए दुर्नीति गंताघर हो जाए। कोरोना को सामना करिवारे प्रवासी मान को सहायता देवारे विजु जनता दल सरकार सारा देश रे एक इतिहास सृष्टि करथला बेले विरोधी दल माने ये कथा को सही पार ना विभिन्न बृत्ति रखुंट निजर असहाय अवस्था को लोकलोचन को आंतु। महामारी समय रे गरीब श्रमिकों को रोजगार जोगाइ देवा पई केंद्र सरकार समग्र देश पई 1 लाख कोटी टंका रो सहायता जोगाइ देथिले। हेले लगातार भाबे समग्र राज्य रो आसीथबा माळ माळ अभिजोग ओ आरटीआई माध्यम रे मिलिथिबा तथ्य ओडिसा रे मनरेगा योजना रो वास्तव चित्र उपरु परदा हटाइछि। भुवनेश्वर कविता स्वाई ओ दिव्यज्योति महांतिंक सह प्रदीप्त महापात्रंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्रकाश पाइला जेई मेन परीक्षा फल। ए परीक्षा रे ओडिसा रा गौतम दास 99.9% नंबर रखी राज्य रे टॉपर होइछंती। जेई मेन परीक्षा एनटीए पक्षरु फेब्रुआरी 24 रु 26 तारीख मध्य रे होइतिला। इंजीनियरिंग रे बैचलर डिग्री एवं बीटेक रे नामलेखा लागि ए प्रवेशिका परीक्षा करा जाइतिला। एथिरे प्राय 6,52,000 छात्रछात्री परीक्षा देथिले। प्रथम थर लागि ओडिया समेत इंग्राजी हिंदी गुजराती आसामी बेंगली कन्नड़ मलयालम मराठी पंजाबी तमिल तेलुगु और उर्दू भाषा रे परीक्षा करा जायथिला। फरवरी समेत मार्च एप्रिल और मे मास रे बाकोतिबा जेई मेन परीक्षा रो रिजल्ट आधार करी श्रेष्ठ छात्र छात्रीन को रैंक प्रकाश पाइबो।
तेबे आजि दायित्व नेबे ट्विन सिटीर नवनिजुक्त पुलिस कमिशनर सोमेन्द्र प्रियदर्शी गतकाली तांको नुआकरी निजुक्ति मिलथिला। आजि दिन तीनटा समय सोमेन्द्र ए दायित्व ग्रहण करिवे। वर्तमान पुलिस कमिश्नर सुधांशु षडंगी तांको दायित्व हस्तांतर करिबा स अनेक पुलिस कर्मचारी मध्य स्वागत जणाइबे जा कार्यक्रम रहिछि। तेबे 1995 बैच आईपीएस अफिसर सोमेन्द्र प्रियदर्शी आ पूर्वरु क्राइम ब्रांच एडीसी थिले। नियुक्ति मिलबा परे नुआ पुलिस कमिश्नर कहिछन्ती सरकार देइथिबा दायित्व को सुरखुरे संपादन पय उद्यम करिवे। नुआ पुलिस कमिश्नर को आगरे चैलेंज कटक भुवनेश्वर रे अपराध नियंत्रण दिनकु दिन लूट डकायत भली घटना घटुछि एहाकु रोकिबा पय तांको पय चैलेंज हेबो। अभिज्ञ सोमेन्द्र प्रियदर्शी पूर्वरु कटक एसपी कटक डीसीपी पुरी एसपी एवं केन्द्रांचल आईजी थिले। संतोष जेना आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए बाबदे अधिक आलोचना पाई आम सहित जोड़ी। संतोष आज दायित्व नेबे ट्विन सिटीर नवनिजुक्त जी रही पुलिस कमिश्नर सोमेन्द्र प्रियदर्शी जहाँ को कि गत काली नुआ निजुक्ति मिली केते बेले से दायित्व हस्तांतर करिबे एवं कार्यक्रम केते बेले रही। देखु निश्चा निवेदिता वर्तमान समय जहाँ सूचना मिली गत काली राति ही आडिशनाल कमिशनर को कमिशनर जी थे पूर्वतन कमिशनर सुधांशु षडंगी दायित्व हस्तांतर कर वर्तमान जा सारी नूतन कमिशनर गत काली विलंबित राति पहुंची थे भुवनेश्वर एवं वर्तमान समय जहाँ पुलिस कार्यालय सूचना मिली आज दिन तीन टा तीस समय दायित्व कार्य आरंभ हम अर्थात सब कर्मचारी मैंने स्वागत जनइबे एवं ता सहित जो कर्मचारी मैंने पूर्वर सुधांशु षडंगी सहित जे 1990 मसीहा ब्याच आईपीएस जे अच्छा तांको समस्त विदाय संबर्धना देते आज कार्यक्रम पाखापाखि 3:30 हम बोली वर्तमान समय सूचना मिलूँ कि सीपी बदल को नहीं अनेक चर्चा जोर धरी केतेबेले कहुची जे आगक पौर निर्वाचन अच्छी आउ जन गोटे गणमाध्यम सहित शत्रुता ता सहित मानहानी मकदमा एवं अपराध नियंत्रण न करबा भली अनेक कारण वर्तमान मध्य सीपी बदल पत्र दर्शाऊ कहीं आपंज कमिशनर कार्यकलाप अति कम रे 2 वर्ष रहा कथा जी कमिशनर दायित्व नौ जो मैंने डीआईजी रैंक रे कमिशनर दायित्व नौ से दायित्व पाखापाखि 2 वर्ष जदि कही सुधांशु षडंगी आउ किसी मस था अर्थात 1.5 मास रु ऊर्ध समय से दायित्व भार नहीं सारी आस था हटात कौन पर बदल करफरमान्स बहुत खराब रहा गणमाध्यम शिरोनामा पलटि एवं विरोध विरोध में मध्य अनेक खबर प्रसारण होता लगातार भाव में कटा मुंड आरंभ कर सीआरपी छक पिकअप भान भितर मर्डर करवा रास्त मर्डर करवा एमती अनेक प्रसंग समय सामना सब पर भी वर्तमान समय राज्य सरकार दायित्व देखते नूतन कमिशनर सोमेन्द्र प्रियदर्शी को क्राइम ब्रांच एडीजी थी बेले से ब्राउन सुगार ता सहित जो चोरा चालाण राकेट अनेक स्तर से सफलता लाभ कर सूचना मिली आज दिन तीन टा तीस समय पुलिस कार्यालय विदाय संवर्धना और स्वागत संवर्धना कार्यक्रम रही। निहत भाव में आज दिन तीन टा पाखापाखि समय कार्यक्रम रही नुआक दायित्व ने ट्विन सिटीर नवनिजुक्त पुलिस कमिशनर सोमेन्द्र प्रियदर्शी स्वागत करा पूर्व रही थे कमिशनर सुधांशु षडंगी विदा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि संतोष जेना आम सहित जोड़ी अधिक अपडेट दे। ट्विन सिटीर नुआ पुलिस कमिशनर भाव निजुक्त होती आईपीएस सोमेन्द्र प्रियदर्शी। तेबे आईपीएस अफिसर सम्मुखें रही अनेक चैलेंज सहर में भुशुड़ी पड़ा लॉ एंड ऑर्डर साइबर क्राइम लूट डकायती महिला वरिष्ठ नागरिक और वीवीआईपी सुरक्षा आदि बड़ चैलेंज रहा। चैलेंज नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर नुआ कमिशनर बड़ चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर खासकर विधानसभा सुरक्षा एवं न्याय विधानसभा आगे आत्माहुति उद्यम संख्या भी बढ़िवार लगी। गत वर्ष परीर माँ बापा चासी पुओ पाई न्याय मागुथिबा मा ओ ए वर्ष जने महिला आत्महत्या उद्यम करिसंती यहा उपरे रोक पुलिस पाई बड़ चैलेंज। चैलेंज नंबर 2 महिला सुरक्षा कटक भुवनेश्वर रे महिलांक सुरक्षा बड़ समस्या 2020 रे दुई शहर रे 166 दुष्कर्म मामला सामना को आसीथिला ता भितरु केवल भुवनेश्वर रे दुष्कर्म संख्या थिला 113 ता भितरे नाबालिका भी होइचंती दुष्कर्मर शिकार ता सहित असदाचरणर संख्या भी बढ़ुची यहाँ को किभली हैंडेल करुचंती सोमेन्द्र प्रियदर्शी ता उपरे भी रहिबो नजर। चैलेंज नंबर 3 साइबर क्राइम ट्विन सिटी रे माती चंती साइबर लुटेरा जमतरा गैंग भी ऑपरेट करुची भुवनेश्वर रे
लॉकडाउन समय रे बेसी ठकामीर शिकार होइछंती द्वैत नगरवासी बारंबार सचेतनता सत्वे ऑनलाइन रे ठकी होइ जाउछंती लोके आउ पुलिस टेर भी पाउनी लुटेरांकर साइबर क्राइम को रोकिबा सोमेंद्र प्रियदर्शी को पाई बड़ चैलेंज चैलेंज नंबर 4 अपराध नियंत्रण राजधानी रे बीच रास्ता रे दिन दुई पहरे हेउछि मडर नयापल्ली घटना तार बड़ उदाहरण 2020 रे कटक भुवनेश्वर रे 73टी हत्याकांड रे रिपोर्ट होइतला सही भली डकायती चोरी राहजानी भी कमिश्नरेट पुलिस रो निद हजाई देछि खास करी महिला को ठारु चेन लूट भी चिंता बढ़ाउछि चैलेंज नंबर 5 वीवीआईपी को सुरक्षा भुवनेश्वर कटक रे माळ माळ वीवीआईपी सेमानक सुरक्षा सेमानक मूवमेंट उपरे नजर भी नुआ कमिश्नर को पाई हेबो बड़ चैलेंज चैलेंज नंबर 6 संभाव्य कॉर्पोरेशन निर्वाचन आगामी दिन रे कटक को भुवनेश्वर रे होई पारे कॉर्पोरेशन निर्वाचन निर्वाचन परिचालना शांति श्रृंखला रक्षा अबाध और निरपेक्ष निर्वाचन भी आउ एक बड़ चैलेंज चैलेंज नंबर 7 ट्रैफिक समस्या दुई शहर रे ट्रैफिक समस्या गुरुतर हेबारे लागिछि घंटा घंटा धरी ट्रैफिक जाम लोकंकु नाकेदम करूछि ता सहित दुर्घटना भी बढ़ुछि ट्रैफिक नियंत्रण सोमेंद्र को पाई आउ एक बड़ चैलेंज भुवनेश्वर रोशन रथ और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज तेज खबर आसी पहुंचुची सुंदरगढ़ बड़गाम ब्लॉक सहकारी जंत्री घरे विजिलेंस चढ़ो आयुर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में विजिलेंस पक्षर यह रेड कर तेज एककालीन तीनोटी स्थान में चढ़ो कर विभाग बड़गाम ब्लॉक कार्यालय सुंदरगढ़ स्थित कोठा और लेफ्रीपड़ा स्थित बासभवन में चढ़ो कर विजिलेंस सुंदरगढ़ में एक तीन तला कोठा भुवनेश्वर एक प्लॉट गोटे कार और 33 मोटरसाइकिल जबत हो परशुराम नायक वर्तमान आस्टाणी अच्छा बड़गाम ब्लक नाम आयुर्भूत संपत्ति कलेक्शन अभियोग से एसपी निर्देश मत आम स्पेशल जज विजिलेंस सुंदरगढ़ पाखु सरचरण आने तीनो जगार चढ़ू चली आप देखुं बर्तमान डबल ट्रिपल शॉट बिल्डिंग रंगाड़ी चलती आफिस् आज गाँ लेफ्रीपड़े उत्पन्न रेड चली मत ये ट्रिपल शॉट बिल्डिंग सुंदरगढ़ अच्छे टंगाड़ी बटार गोटे गाड़ी चारिचकिया गाड़ी अच्छी स्विफ्ट डिजायर आन मोटरसाइकिल भुवनेश्वर गोटे प्लॉट बाहरी सागर पटनायक सुंदरगढ़ प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी सागर केते बेलु चढ़ऊ प्रक्रिया आरंभ होला एवं वर्तमान सुद्धा विजिलेंस हाथ में केते परिमाण रो संपत्ति लागलानी देखंतु निवेदिता जहाँ विजिलेंस टीएसपी सूचना दूसरे जे एककालीन तीनोटी जगार चढ़ऊ चलती आज सका हुई विजिलेंस पक्षर सुंदरगढ़ विजिलेंस पक्षर तीनोटी टीम गठन कर बड़गाम लेफ्रीपड़ा और सुंदरगढ़ तीनोटी स्थान में एककालीन चढ़ऊ होता और सका छटार ही चढ़ऊ आरंभ हो जाता जहाँकि सुंदरगढ़ बासभवन में जोटी से बर्तमान रोचार तीन तलार एक कोठा रही जार आकलन बर्तमान 70-80 लाख टंका हम बोली जहाँ जड़े इंजीनियर कहते जो पाखे जो कैश रही जो सुना गणा रही बैंक इंश्योरेंस रही बैंक अकाउंट एसबूर वर्तमान जांच चली पैतृक घर जो लेफ्रीपड़े रही सेठार चढ़ाऊ करते संपत्ति सब रही सबूर वर्तमान आकलन करध्या सुधा संपूर्ण संपत्ति तालिका संपूर्ण संपत्ति जना पड़ो बोली जहाँ विजिलेंस पक्षर सूचना मिली निवेदिता बहुत बहुत धन्यवाद सागर पटनायक सुंदरगढ़ प्रतिनिधि आम सहित जोड़े जहाँ से कहते हैं वर्तमान चढ़ऊ प्रक्रिया मध्य जारी रही पाखापाखी तीनोटी स्थान रे एही चढ़ऊ चली बड़गाम ब्लॉक कार्यालय सुंदरगढ़ स्थित कोठा और लेफ्रीपड़ा स्थित बासभवन में विजिलेंस पक्षर चढ़ऊ कर तेज सब बड़ कथा हूँ तीन तला विशिष्ट कोठा या सहित भुवनेश्वर एक प्लॉट रही सहित 33 टी मोटरसाइकिल वर्तमान सुधा जबत कर विजिलेंस अधिकारी पक्षर जहाँ प्रतिक्रिया सामना को आसुच्छे रायगढ़ गुणीगारेडी सन्देह जनक हत्या मामला छह जन को गिरफ्तार कर चालान कर पुलिस हत्या अभियोग में रायगढ़ पद्मपुर पुलिस पाजिलीबंध गांव में छह जन को गिरफ्तार करी हत्याकांड में आहरी अनेक लोक संपृक्त थिबा नहीं अनुसंधान जारी रही योजनाबद्ध भाव हत्याकांड घटाइबा प्रमाण नष्ट मामला रुजु अधिक तदंत जारी रही विषमकटक एसडीपीओ सूचना देते खुबशीघ्र अन्य अभियुक्त को धराजिबा बोली थाना पक्षरु कहा जायछि।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବ ସରକାର, ନବଙ୍କ ପକେଟରେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଗେହରି ଦୋସ୍ତୀ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଜିଆରଏସ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ପରେ ବି ନବଙ୍କ ଅନୁଗତ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନି ଆକ୍ସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନବଙ୍କ ଗୁଆ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିଶୋରଜ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜଙ୍କ ଗେହରି ଦୋସ୍ତୀ। ନବଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ସରୋଜ ସାମଲ, ଜିଆରଏସ୍କୁ ଧମକାଇବା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୋ ଆକ୍ସନ। ନୋ ଆକ୍ସନର ଇଏ ହେଉଛି ରିଆକ୍ସନ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ନବଙ୍କ ଖାସ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବ ଦାସଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁଠି ବିନା ପରମିଶନରେ ତାଙ୍କ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା କି ଗୋଟେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାର ଚାମଚିଆମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସରକାରୀ ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଚମକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛି। ବହୁତ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଶାସକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳରେ କି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡରରେ ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପିଡିଙ୍କ ପାଖରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଧମକାଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତା ପ୍ରତି ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଇନ୍ତିଆ ଘଟଣା ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଟି କରି ଆସୁଥିଲୁ, ଆଜି ଭାଇରାଲ ହେଲା ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଠେଇ ସାରିଛୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ସମଦଶା, ଲୋକ ତ୍ରାହି ଛୁଟିଗଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ କାନୁନର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ ସରକାରର। କି ନବ ଦାସ ନିଜକେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବି ଦେଉଛନ୍, ସେ ବିଧାୟକ ବନିଲା ପରେ MLA ମାନେ MLA ବନିଲା ପରେ ସେ ବନେଇଛନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଭାବୁଛନ୍ ଲୋକେ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଭାବବାର, ସେ ଲୋକେ ହଉଛନ୍ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଭାବିକି ଇଏ କହିଦେଉଛନ୍, ତାହାକେ ନକାରା କହିଦେଉଛନ୍, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗଲତ ହେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଜିତୁଛନ୍, ସେ କହୁଛନ୍ କି ମୁଇଁ ଯାଶୁଆଟା ମୁହଁରେ କହିକିରି, ଯେ ଆସୁଆ ଅଛେ ଅସ ରହ ହେଲେ ଯେ ଭାଗ ଅଛେ ଭାଗ କହିକିରି। ଏବେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେନ୍ ଅଛେ, ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମଡ଼ା ଯେନ୍ଦ୍ରା କହେସନ୍, ଆମେ ସେ କଥା ଧମକ ଦେଉଛନ୍, ଆମର ଇଓକେ ଦେଉଛନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରକେ ଦେଉଛନ୍, ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍, ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ଆମ ସଂସ୍ଥା ନି ଚଲେ, ପବ୍ଲିକ ଏଖେନ୍ ଲାଗିଲେ ନ ଜାଣିଲେ ନ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଉପରେ, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକାଉଥିବାର ଇଏ ଅଡିଓ। ଏମିତି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ସେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ ସାମଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇନାହିଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍? କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ନବ ଦାସଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ନା ନବଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ସବୁ ମାପ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସାରୁଛୁ, ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।